नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज आनंद एक सीनियर फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूं। देखिए, पिछले दो महीने से जो ये कोरोना की आंधी चली है तो चारों तरफ एक नेगेटिविटी का माहौल बन गया है। टीवी खोलिए, अखबार पढ़िए, मित्रों से बात कीजिए, सब दूर नेगेटिव बातें आती हैं, डिप्रेसिंग बातें आती हैं। मैंने भी कई वीडियो डाले हैं जिसमें मैंने चेताया है, कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि आप डरा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्या कुछ ऐसा है इस कोरोना में जो पॉजिटिव भी है। एंड आई रियलाइज कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आर पॉजिटिव इन दिस कोरोना काल, इस कोरोना की ड्यूरेशन में। क्या आपने सोचा? देखिए, हमारे बीच में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें हमने रियलाइज किया दे आर वेरी हेल्पिंग। आपने देखा होगा एक बहुत फेमस एक्टर हैं सोनू सूद जी, जो बॉम्बे में खड़े होके सारे लेबरर्स की मदद कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो जब ये माइग्रेंट क्राइसिस आया तो उन्होंने खुद खाना बना बना के बांटा। सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इज देयर इन द सोसाइटी, लोग मदद को आगे आ रहे हैं, राइट? हमारे हम सब बंद हैं डेढ़ महीने दो महीने से, हम चिकित्सक नहीं लेकिन अधिकतर लोग, एंड इस चक्कर में हमें साथ रहना पड़ रहा है। तो हमारे संबंध, खासतौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, बहुत सारे केसेस, बल्कि आई वुड से 90% केसेस में दे आर इम्प्रूविंग। और हम हस्बैंड्स भी रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी वाइफ दिन भर घर में करती क्या है, उनकी वैल्यू पता चल रही है। सो लॉट ऑफ हस्बैंड्स आर हेल्पिंग देयर वाइफ्स। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अपनी फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, कुकिंग करते हुए, घर की सफाई करते हुए। इनफैक्ट हम लोग अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ कहीं ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं, तो दिस इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। देखिए, हम दौड़ रहे थे कैरियर की लाइफ, अपने कैरियर में या जिस भी फील्ड में, वी नेवर एक्चुअली थॉट कि ये ही तो जीवन है, राइट? हमें से बहुत सारे लोग नई स्किल्स सीख रहे हैं, मैंने भी कुछ नए कुकिंग के तरीके सीखे, राइट? मैं गार्डनिंग करना शुरू किया। ऐसे ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अपने जो बहुत टाइम से जो हॉबीज थी, काफी सारे सिंगर्स थे स्कूल डेज के, दे आर नाउ रीलिविंग दैट टाइम। हमारा अध्यात्म बढ़ रहा है, हम में से बहुत सारे मेरे मित्र मेडिटेशन करने लगे हैं। हम बाहर की तरफ देखते देखते अब अपने अंदर झांकने लगे हैं। So these are very positive things. एक और बहुत पॉजिटिव चीज है, हमारी हाइजीन लेवल्स हैव इम्प्रूव्ड बहुत ज्यादा। देखिए, मैं परेशान हो गया था लोगों को हाथ धोने का तरीका सिखाते सिखाते मेरे आईसीयू और मेरे हॉस्पिटल में। अब देखिए कितने लोगों ने कितनी आसानी से हाथ धोना सीख लिया, कितने लोग मास्क लगा रहे हैं, लोगों ने रोड पे वो पिचकारी थूकना, पीक थूकना, वैसे थूकना बंद कर दिया। और आपने एक चीज रियलाइज की, हर साल फरवरी मार्च में बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते थे वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लेके, जुखाम खांसी बुखार लेके। इस साल मेरे सारे चिकित्सक फ्रेंड्स कहते हैं बहुत कम आए। क्यों? क्योंकि हम हाथ धो रहे हैं, हम फालतू सरफेसेस को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो हम अगर आगे कैरी करेंगे तो जो नॉन कोरोना वायरल इन्फेक्शन थे उनसे हमें काफी मदद मिलेगी। हम लोग अपनी इम्यूनिटी पे भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम सब, मोस्ट ऑफ अस आर एक्सरसाइजिंग नाउ। शुरू में तो हम सब बैठ के खा रहे थे, वजन गेन कर रहे थे, बट मोस्ट ऑफ अस आर नाउ एक्सरसाइजिंग। हम पूरा रेस्ट ले पा रहे हैं। एक और बहुत मजेदार चीज है जो आप सबने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, अपना एनवायरमेंट कितना साफ हो गया है। आप देखिए, लोग कहते हैं ना, चंडीगढ़ से पहाड़ दिखने लगे हैं, या मतलब बहुत दूर की चीजें जो कभी देखी ही नहीं वो दिखने लगी है। हमारे आसपास बहुत सारे पक्षी, जानवर, नई नई चिड़ियाएं मैं देख रहा हूं। मेरे घर के आसपास मोर आ गए हैं अचानक। ये क्यों हो रहा है? नेचर इज नाउ कमिंग बैक। हमने उसको पुश कर दिया था, वो आ रहा है। दूसरा एक और बहुत पॉजिटिव चीज हो रही है, लोग इनोवेटिव हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितने लोगों ने पीपीईज बनानी शुरू की हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। एक पूरा बिजनेस क्रिएट हो गया ऑनलाइन, सारी टीचिंग ऑनलाइन हो गई है। हम लोग अब
काफी हम में से अधिकतर लोग टेली कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो ये ऑनलाइन चीज जो हमने कभी करते थे लेकिन इस लेवल पे नहीं करते थे, वो इट्स ग्रोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इट्स रियली ग्रोइंग। इसमें नई नई इनोवेशन हो रही हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और लास्टली मैं कहूंगा कि ये कोरोना हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे फोकस लेके आया है। अब सारी दुनिया का फोकस हेल्थ केयर पे है, तो आने वाले समय पे हेल्थ केयर पे निश्चित तौर पे गवर्नमेंट्स मजबूर हो जाएंगी कि हेल्थ केयर पे ज्यादा स्पेंडिंग करें, उसको ज्यादा ध्यान दें, और इन द प्रोसेस आगे जो स्थिति आएगी पोस्ट कोरोना काल में, तो हमारे हॉस्पिटल्स ज्यादा ज्यादा सशक्त होंगे, रिसर्च पे ज्यादा खर्चा होगा, प्रिवेंशन पे ज्यादा खर्चा होगा, इससे बच नहीं पाएंगे गवर्नमेंट्स। सो प्लीज कोरोना में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ये बहुत जरूरी है। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। 2 महीने में हम अब परेशान होने लगे हैं। सो थिंक पॉजिटिव, बी कॉशियस।